फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इज द कीटो हेक्सोज, कीटोज मीन्स इट कंटेन्स द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, सो हियर इट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ हेक्सोज मीन्स इट कंटेन्स द सिक्स कार्बन एटम चेन, यहाँ पे आपके कितने कार्बन एटम है, सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म विद द अपॉन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज, ठीक है, तो ग्लूकोज हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सेकेंड वाला हमारा क्या है, फ्रक्टोज. फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. जितनी भी मोनोसेकेराइड्स है ना सबका केमिकल फॉर्मूला सेम ही है और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है, विच इज C6H12O6. इट इज अ डी शुगर, मीन्स जो आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, सो आपका यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन सा है, कीटोन वाला. इससे जो सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, विच इज दिस वन, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे अगर आपका OH राइट हैंड साइड में है, देन इट इज योर डी शुगर, कैपिटल डी. नेक्स्ट इज द माइनस साइन, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द लीवो रोटेटरी कंपाउंड. लीवो रोटेटरी कंपाउंड मीन्स it is also going to represent by the small l, it means this will going to convert the plane polarized light towards the left direction. to jo aapki plane polarized light agar hum is fructose se pass karate hain to wo kis direction mein convert rotate ho rahi hai, towards the anti clockwise direction, means towards the left direction, therefore glucose is going to be written as capital d minus फ्रक्टोज, ठीक है. नेक्स्ट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, सिमिलरली फ्रक्टोज, सॉरी, सिमिलरली जैसे हमने ग्लूकोज का स्टडी किया था, अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म, सो बोथ आर द फर्स्ट थिंग, बोथ आर द एनोमर्स, ठीक है, अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म आर द एनोमर्स एंड इट विल गोइंग टू चेंज इट्स कॉन्फिगरेशन एट कार्बन टू, ठीक है, आपकी कॉन्फिगरेशन कौन से कार्बन एटम से चेंज है, कार्बन टू से, तो दिस ऑक्सीजन विल गोइंग टू, मींस जो आपका कार्बन फिफ्थ पे जो आपका ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, दिस विल गोइंग टू रिएक्ट द कार्बोनिल ग्रुप. सो यहाँ पे भी आपके पास दो केसेस हैं, ओएच जो वो बन रहा है आपका, या तो वो राइट हैंड साइड में जाए या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर आपका वो राइट हैंड साइड में जाता है, देन इट इज योर अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज. अब जो यहाँ पे हमारी टर्म आई है वो है फ्यूरिनोज. फ्यूरिनोज मीन्स इट इज अ फाइव मेंबर्ड रिंग, ठीक है, तो हमारा फ्यूरिनोज क्या है, फाइव मेंबर्ड रिंग है. व्हाइल पायरिनोज, पायरिनोज मीन्स जब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे तो हमें सिक्स मेंबर्ड रिंग मिल रही थी, और सिक्स मेंबर्ड रिंग मीन्स इट इज अ पायरिनोज फॉर्म, सो इट इज अ फ्यूरिनोज फॉर्म, ठीक है. So furanose means it is a five membered ring and both are the anomer and C2 is the anomeric carbon in this case, ठीक है. So आपका जो C2 है वो क्या है, anomeric carbon. तो यहाँ पे जो आपका fifth carbon 2 है, यहाँ पे OH कहाँ पे आपका left hand side में, तो जब हमने Fischer से Haworth projection में कन्वर्जन की बात की थी तो हमने डिस्कस किया था जो ग्रुप आपके राइट हैंड साइड में होंगे वो आपके कहाँ जाएंगे, डाउन दी प्लेन इन दी हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है. तो ये आपकी दोनों फॉर्म फिशर प्रोजेक्शन है, तो जब हम इसको हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो ग्रुप्स आपके राइट हैंड साइड में है वो जाएंगे हमारे डाउन दी प्लेन. तो अगर हम कार्बन टू की बात करें तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में है और ये जाएगा हमारा डाउन दी प्लेन, OH जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए ये जाएगा अबव दी प्लेन. C3 में आपका H जो है वो है आपका राइट हैंड साइड में, सो इट गोस डाउन दी प्लेन. फोर्थ में ये आपका OH है राइट हैंड साइड में, सो इट गोस डाउन दी प्लेन. फिफ्थ कार्बन एटम, अब आपका जो फिफ्थ कार्बन एटम है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये ऑक्सीजन आपका C2 से अटैच्ड है, तो फिफ्थ कार्बन एटम आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये आपका C2 से अटैच्ड है, और फिफ्थ कार्बन एटम पे आपका क्या है, CH2OH फंक्शनल ग्रुप, तो आपका यहाँ पे
CH2 4OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली फॉर दी अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म में भी आपका सेम रहेगा, बस आपका C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो C2 पे आपका जो है OH वो है राइट हैंड साइड में, सो ये जाएगा आपका डाउन दी प्लेन, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज दी अल्फा डी माइनस, मीन्स इट इज अ लिवो रोटेटरी कंपाउंड, फ्रक्टो फ्यूरोनोस, फ्यूरोनोस मीन्स इट इज अ 5 मेंबर रिंग, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्रक्टोज। सो अपॉन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, सिंस ब्रोमीन वाटर इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट नो प्रोडक्ट्स, मीन्स उनके साथ रिएक्शन नहीं हो रही है। सो आइदर यू कैन राइट नो रिएक्शन और नो प्रोडक्ट, ठीक है। सो HNO3 के साथ दिस विल गोइंग टू ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर। सो अब आपका क्या बन रहा है, CH2, ये वाला जो कंपाउंड है सी कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस विल गोइंग टू क्लीव फ्रॉम हेयर एंड दिस विल गोइंग टू फॉर्म CH2OH एंड COOH। नेक्स्ट आपका अब दोनों जगह CH COOH में कन्वर्ट हो रहा है, सिंस इट इज स्ट्रॉन्गर वन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन वाटर। सो यहाँ पे जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो रहा है COOH में, दिस ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इन टू दी COOH, ये दोनों आपका एज इट इज ए CHOH। सो यू विल गेट दी glycolic acid and the tartaric acid as the product upon the oxidation of glucose with HNO3. Next is the reduction of fructose. So reduction of fructose gives the sorbitol and the mannitol. Sorbitol आपको कहाँ से भी मिला था, जब हमने glucose का oxidation, glucose का reduction किया था। So when we do the glucose reduction of the glucose, we are going to get the sorbitol, और अगर हम मैनोज का रिडक्शन करते हैं तो हमें मैनिटॉल मिलता है। तो बट अगर हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करें, मीन्स C2 कार्बन एटम पे आपका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये रिड्यूस हो रहा है OH में, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है, दूसरे केस में ये राइट हैंड साइड में भी जा सकता है। देयरफॉर वी आर गेटिंग दी सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल एज दी प्रोडक्ट ऑफ दी upon the reduction of the fructose. Next is the ozazone formation. So ozazone formation के लिए fructose की reaction किसे करानी है हमें, phenyl hydrazine से, और एक molecule और sugar का कितने molecules के साथ react करेगा, 3 molecules के साथ। So first reaction जो आपकी हो रही है वो हो रही है carbonyl group के साथ। So upon the loss of water molecule, this will going to form the हाइड्रोजोन डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजोन डेरिवेटिव अपॉन एमोडोरी रीअरेंजमेंट, दिस विल गोइंग टू गिव यू दी सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड एन एच। तो जो आपको यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होने में आपकी 6 रिमेंबर रिंग बनती है, इसलिए आपका ये फर्दर चेन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नाउ अब ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से, and this will going to end up with the ozazone. Next, general properties, molecular formula dono ka same hai, C6H12O6. Nature of this is the polyhydroxyaldehyde, since glucose contains the aldehyde functional group while fructose contains the ketonic functional group. Glucose is a dextrorotatory compound, means it will going to convert the plane polarized light towards the right direction, while fructose is the levorotatory compound and it will going to convert in the plane polarized light towards the left direction. Upon the oxidation with the bromine water, glucose gives the gluconic acid while fructose gives the no reaction. Upon reaction with the nitric acid, this will going to form the glucuric acid and it will going to form the mixture of glycolic acid and tartaric acid. Reduction with the NaBH4 or sodium in the presence of mercury and water,
दिस विल गोइंग टू फॉर्म द सॉर्बिटॉल व्हाइल दिस विल गोइंग टू फॉर्म द मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। फेलिंग्स टेस्ट और स्टॉलेंस टेस्ट के साथ दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, मीन्स ग्लूकोज रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है और फ्रक्टोज भी। तो रेड प्रेसिपिटेट हमें किसके मिल रहे हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड के, विच इज नथिंग बस Cu2 ऑक्सीजन। सिल्वर मिरर हमें दोनों केस में मिलता है सिंस बोथ आर द रिड्यूसिंग शुगर। व्हाइल विद द सेल्वेनॉफ टेस्ट हमारा कीटोसिस के लिए स्पेसिफिक होता है। सो सेल्वेनॉफ टेस्ट जितनी भी शुगर आज हम डिस्कस करेंगे तो सिर्फ दो ही शुगर हैं जो हमारा सेल्वेनॉफ टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। एक है फ्रक्टोज सिंस इट कंटेन्स द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड है सुक्रोज। सुक्रोज जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज की तो हमें मिलता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो जो हमारा यहाँ फ्रक्टोज मिल रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा पॉजिटिव सेल्वेनॉफ टेस्ट के लिए, जिसका एंड में मिलता है हमें वाइट रेड कलर।